तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि लड़कियां लड़कों को लाइन कैसे मारती है, लड़कियां लड़कों से पटने से पहले उसे कैसे इशारे देती है। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको एक बात समझा देता हूँ, ठीक है। जो आपका डाउट है कि भाई जैसे हम लड़कियों को लाइन मारते हैं, क्या वैसे ही लड़कियां भी हमें लाइन मारती है? तो नहीं मेरे भाई, लड़कियां ना इन सब मामलों में थोड़ी सी छुपी रुस्तम होती है, थोड़ी सी साई टाइप की होती है, थोड़ी सी शर्माती है। जब वो किसी लड़के को लाइन मारती है तो वो फ्रेंड सोचती है कि किसी तीसरे पर्सन को पता ना चल जाए कि मैं इस लड़के को लाइन मार रही हूँ या फिर मुझे भी लाइन मारना आता है, ठीक है। तो उसके लिए फिर वो ज़्यादातर क्या करती है, वो लड़की आपके आसपास ही रहती है और आसपास रहने के बाद वो लड़की जब भी आपको देखती है ना तो बार बार अपने पलकों को झपकाती है। जी हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ कि किस तरीके से वो अपने पलकों को झपकाती है, मगर फ्रेंड यहाँ पर आप समझिए कि पलकों को झपकाने से मेरा क्या मतलब है, क्योंकि पलकें तो फ्रेंड एक से दो बार ही झपकती है ना। मगर आपको फ्रेंड जब भी वो देखती है तो बार बार अपने पलकों को झपकाती है, बार बार आपको पलट पलट कर देखती है, बार बार आपके पास रहना चाहती है। और जैसे आप उसे देखते हो तो फ्रेंड आपको ऐसा लगता है कि वो लड़की कुछ कहना चाहती है मगर कुछ कह नहीं रही है। शायद वो डर रही है, घबरा रही है, क्योंकि उसे ये बात पता नहीं चल पा रही है कि आप भी उसे पसंद करते हो या नहीं। तो इस सिचुएशन में फ्रेंड आपको कुछ नहीं करना, बस आपको उसे प्यारी सी स्माइल देनी है, थोड़ी सी मुस्कान देनी है, लेकिन पागलों की तरह हंसना नहीं है, गब्बर सिंह की तरह चिल्लाना नहीं है, बस नॉर्मली स्माइल करनी है। इससे लड़की समझ जाएगी कि आप भी उसमें इंटरेस्टेड हो। फिर देखना फ्रेंड, वो लड़की आपको और भी ज़्यादा भाव देने लग जाएगी। तो अब बात करते हैं साइन नंबर टू की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लड़की डायरेक्टली आपके सामने तो बोलेगी नहीं कि मैं आपको लाइन मारती हूँ या फिर आपको लाइक करती हूँ, मगर वो इनडायरेक्टली ज़रूर बताती है जिससे कि आप समझ सको कि मैं आपको पसंद करती हूँ या फिर मैं आप पे ट्राई मारी हूँ या फिर लाइन मारी हूँ। मगर भाई समझने की देर है, ये सिर्फ स्मार्ट लड़के ही समझ पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर लड़की को आपसे बात करनी है या फिर आपकी तारीफ करनी है या फिर लड़की को आपको लाइन मारनी है तो इनडायरेक्टली मारना चाहेगी। लाइक जैसे कि आपने ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी है और वाइट कलर की पैंट पहनी है, उसके बाद आप उसके सामने से गुजर रहे हो तो उसने एक बहाना चॉइस किया आपकी तारीफ करने की। या तो उस समय वो अपने फ्रेंड से बात करेगी, या तो कॉलिंग का झूठा बहाना करेगी, या फिर वो किसी और अंदाज के जरिए बताना चाहेगी कि आज मैंने वाइट पैंट एंड ब्लैक शर्ट में एक लड़के को देखा था, बाय गॉड कितना ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा कूल और डैशिंग लग रहा था, लाइक कुछ ऐसा। तो लड़की भाई बता रही है कि वो आप में इंटरेस्टेड है। और जहाँ तक कि फ्रेंड मैं जानता हूँ, अगर कोई लड़की आपके लुक को लेकर के कॉम्प्लीमेंट दे, लुक को लेकर के आपसे कुछ बातें करे, या फिर आपको कहीं से सुनने में आए बात कि उसको आपका लुक या पर्सनालिटी पसंद आया है, तो मतलब फ्रेंड वो आप में इंटरेस्ट दिखा रही है धीरे धीरे आप में, बस आपको समझने की देर है भाई। तो अब बात करते हैं फ्रेंड तीसरे साइन की। अब एक बात आप समझो, ये बहुत ही यूनिक बात है। हर किसी इंसान का ना प्यार को जताने का तरीका बहुत अलग होता है, हर किसी इंसान का डिफरेंट डिफरेंट तरीका होता है प्यार को दिखाने का, प्यार को बताने का और इम्प्रेस करने का भी। तो लड़कियों का भी फ्रेंड कुछ यूनिक तरीका होता है, मगर एक यूनिक तरीका मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर वो लड़की आपको पसंद करती है ना, या फिर आपके ऊपर में वो ट्राई मार रही है, लाइन मार रही है, या फिर आपको प्यार करती है ना, तो उसके लिए फ्रेंड सबसे बेस्ट टिप्स मैं आपको समझाता हूँ कि लड़की अगर आपको कॉपी करने लग जाए ना सडनली, जैसे कि आप कहीं पर खड़े हो वैसे वो भी खड़े रहने लग जाए, जैसे कि आप बार बार अपने बालों पर हाथ फेरते हो, बालों को सेट करते हो, अगर वो भी सेम वैसे ही करने लग जाए ना, सेम सेम ड्रेस पहनने लग जाए, अगर आप एक ही क्लास में हो, ऑफिस में हो, मोहल्ले में हो, और ज़्यादातर फ्रेंड आप ये चीज़ देखते हो कि वो आपको इतना कॉपी क्यों करती है, क्या रीज़न है इसका, तो भाई लड़की इसे जता रही है कि उसको आपका स्टाइल, आपका अंदाज बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है और ये बहुत ही यूनिक तरीका है। इसे लड़की इसे बहुत ही कम इस्तेमाल करती है और सोच समझ कर करती है जब वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगती है। और इनमें सबसे बड़ा साइन माना जाता है फ्रेंड स्माइल। ये मोस्ट पॉपुलर साइन होता है मेरे भाई। आप में से कई लोग मुझसे ये पूछते भी हो कि लड़की देखकर मुस्कुरा रही है तो इसका मतलब क्या है, क्या वो लड़की मुझे पसंद कर रही है, क्या वो लड़की मुझ पर लाइन मार रही है, मुझे लाइक करती है। तो जी हाँ मेरे भाई, कहीं ना कहीं ये बात सही भी है, ठीक है, मगर इसमें कुछ खास बातें होती है कि लड़की का चेहरा ग्लो करने लग जाता है आपको देखने के बाद। लड़की जब भी स्माइल करती है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान होती है, वो पागलों की तरह हंस नहीं रही होती है। लड़की जब भी आपको देखकर स्माइल कर रही होती है ना तो उसके पलकें झपकती है और चेहरे पर स्माइल होती है, सर नीचे हो जाती है, प्यार से वो आपको देखती है और फिर नज़रें हटा लेती है, फिर दोबारा देखती है और फिर दोबारा स्माइल करती है। तो फ्रेंड अगर ऐसा हो रहा है तो वो लड़की आपको लाइन मार रही है और कहीं ना कहीं वो आपको लाइक करती है, प्यार करती है। तो भाई जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हर किसी इंसान का अलग अलग तरीका होता है अपने प्यार को दिखाने का, कि मैं आपको पसंद करती हूँ या फिर मैं आपको चाहती हूँ, ठीक है भाई।
तो लड़कियाँ भी इसी तरीके से आपको जताती है, जिससे कि आप समझ सको कि वो आपको लाइन मार रही है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को याद से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट या सवाल हो तो नीचे कमेंट करना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।